कोहिमा में करोड़ों की लागत से सड़क बनाई गई, लाडली लक्ष्मी बहनों के नाम से उस सड़क को रखा गया, लेकिन वो सड़क उद्घाटन होने के बाद चंद दिन भी नहीं टिक पाई, जबकि यहां पर ट्रैफिक नाम से लगभग नाके बराबर है। रीवा की कांग्रेस की नेत्रियां पहुंच गई तगाड़ी तसला सीमेंट लेकर और करने लगी रिपेयरिंग। रिपेयरिंग के बाद पत्रकारों से उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनाएंगे। करोड़ों की लागत से बनी सड़क उद्घाटन के अंदर चंद दिनों में ही टूट गई। महिला कांग्रेस नेता सड़क की रिपेयरिंग करने पहुंच गईं। उनका कहना था, मामा के राज में भांजियों के लिए बनाई गई सड़क का उद्घाटन बड़े तामझाम के साथ हुआ था, लेकिन करोड़ों की लागत से बनी सड़क चंद दिन भी नहीं झेल पाई। रीवा के गुप्ता पेट्रोल पंप के बगल से ये सड़क अंदर ही अंदर करहिया मंडी तक जाती है, जबकि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। अब इसको ठेकेदार का विकास कहें या विकास का विकास, यह रीवा की जनता को तय करना है। विकास यात्रा के नाम से भारतीय जनता पार्टी का ढोंग उजागर 18 वर्षों से सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायकों द्वारा कोई काम नहीं किया गया। चुराटा से रतहरा सड़क में 100-100 बार काम लगा, उसके बाद भी वह टूटी फूटी व जर्जर है। आज महिला कांग्रेस की बहनों के साथ कांग्रेस नेत्री विकास ढूंढने निकली थी। नई नई बनी सड़क पूरी तरीके से टूटी थी। बहनों के साथ सीमेंट बालू गिट्टी लगाकर सड़क की रिपेयरिंग करने की कोशिश करती ये महिलाएं आप अपने स्क्रीन पर साफ तौर से देख रहे होंगे। इनका कहना है, भाजपा के विधायक और सांसद के विकास को आईना भी दिखाना जरूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने लाडले भाई बहन योजना के तहत मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगारों को नौकरी और काम देते तो आज आपको लाडली बहन और लाडली पद जैसे नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर महिला यह चाहती है उसका पति सुहाग की सामग्री मंगलसूत्र चूड़ी बिंदी अपनी कमाई से खरीद कर अपने पत्नी को दे, अपने घर की महिलाओं को दे। मध्य प्रदेश की युवाओं को छला है भारतीय जनता पार्टी ने, उनको कोई काम नहीं दिया। बेरोजगारी के आलम में वह दुखी और परेशान घूम रहे हैं। उनकी पत्नियां को आप लाडली बहना कहकर नौटंकी कर वोट के खातिर साधने की कोशिश कर रहे हैं, यह बेहद निंदनीय है। मध्य प्रदेश की 3 करोड़ बहनें आपसे अनुरोध करती हैं, हमारे पति को रोजगार उपलब्ध कराइए, ना कि हमें। 1000 रुपये देकर ठगने की कोशिश मत कीजिए। लाडला भाई योजना लाइए, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। आज सड़क की मरम्मत के काम में तमाम महिला कांग्रेस नेत्रियां पहुंच गईं और झूठी यात्रा विकास यात्रा का डंके की चोट पर विरोध किया। जिस तरीके से सड़क बनी चंद दिनों में ही टूट गई, उसको लेकर तमाम तरीके की सवाल खड़ी करती ये महिलाएं साफ तौर से कहती हैं। रीवा में या यूं कहें पूरे प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा निकाल रही है, तो क्या यही विकास है? सड़क बने चंद दिनों में टूट जाए, करोड़ों की लागत, फिर से करोड़ों का बजट उसकी रिपेयरिंग के लिए, तमाम ऐसी बातें हैं जिसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। महिलाओं को 1000 रुपये देने से ज़्यादा बेहतर है उनके पतियों को, उनके भाइयों को अगर सरकार काम दे दे तो ये 1000 रुपये से ज़्यादा बड़ी बात होगी। सुनिए महिला नेत्री कविता पांडे ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी के जो शिवराज मदारी मामा है वो कहते हैं कि हम लाडली बहना नाम से योजना निकाल रहे हैं। अरे महाराज मामा जी, यदि आपने लाडला भाई नाम से योजना बनाई होती तो आज आपको लाडली बहना करना ही नहीं पड़ता। आज मध्य प्रदेश का जो युवा है वो बेरोजगार है। यदि वो बेरोजगार करता होता तो अपनी पत्नी को सिंदूर टिकुली और अपनी मंगलसूत्र और चूड़ी पहनाता, सुहाग की सामग्री हर बहन चाहती कि उसका पति ला के दे, ना कि फर्जी मामा। तो आप हमारे युवाओं को रोजगार दीजिए और जो सड़कें आप बना रहे हैं वो वास्तव में सड़कें बनाएं। सड़क ये 13 करोड़ की सड़क बनी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और सांसद उन्होंने बांट कर खा लिया है। चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी होता उस देश की प्रजा भिखारी होती है, तो यहाँ का जो विधायक है।